आतंकियों के पंजाब में दाखिल होने के बाद से पूरा पंजाब अलर्ट पर है, लेकिन पंजाब जम्मू बॉर्डर पर सुरक्षा में भारी लापरवाही बरती जा रही है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ने पठानकोट से ग्राउंड जीरो का रियलिटी चेक किया। जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली है। आतंकी पंजाब में एक बार फिर से दहशत फैलाने की फिराक में है, जिसे लेकर पंजाब पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन पठानकोट में पंजाब जम्मू बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। इसकी हकीकत तब सामने आई जब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हमने पाया कि यहां न तो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी और न ही जांच के लिए कंप्यूटर रूम खुले थे। जब जी मीडिया के कैमरे ने इन तस्वीरों को कैद करना चाहा, तो आराम फरमा रहे कुछ सुरक्षा कर्मियों को अपनी ड्यूटी याद आ गई। हम इस वक्त खड़े हैं पंजाब और J&K के बॉर्डर पर, जहां पर हाई अलर्ट के बावजूद भी किसी तरह की कोई चेकिंग जो है गाड़ियों की नहीं हो रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो कक्ष है जहां पर कंप्यूटराइज गाड़ियों की चेकिंग होती है। गाड़ी की RC जो है बकायदा चेक की जाती है कि वो गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है, या ये गाड़ी जो है J&K की है या पंजाब की है या किसी और राज्य की है। अगर चोरी की गाड़ी है तो वो तुरंत यहाँ पर उसकी जांच कर ली जाती है। लेकिन आज जो है, जब हम यहाँ पर आए हैं, तो इस कक्ष को ताला जड़ा हुआ है और कहा ये जा रहा है कि जो कंप्यूटर पर व्यक्ति होते हैं वो कई दिनों से छुट्टी पर हैं। यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग और उन गाड़ियों के साथ ही ड्राइवर का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना बेहद जरूरी है, लेकिन हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। हमने जब सवाल किया तो जवाब बेहद चौंकाने वाला था। पठानकोट पहले भी आतंकी हमले का शिकार हो चुका है। आतंकियों के एक बार फिर पंजाब में दाखिल होने की सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद पंजाब हाई अलर्ट पर है, तो पठानकोट रेड अलर्ट पर। लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों की लापरवाही इन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को धता बता रही है, जिसने एक बार फिर से लोगों को सांसत मिला दिया है। पंजाब और J&K के बॉर्डर के ऊपर पंजाब पुलिस का नाका बना हुआ है। तब से यहाँ गाड़ियों की चेकिंग हुआ करती थी, शाम को, सुबह, दोपहर को, जो भी, और कई गाड़ियाँ यहाँ चोरी की पकड़ी गई पंजाब पुलिस। कुछ महीनों से यहाँ कोई गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है कि जो टेररिज्म J&K से या पाकिस्तान से आता है, वो श्रीनगर से या जम्मू से जो J&K नंबर गाड़ी, जितने भी यहाँ टेररिज्म पकड़े गए, वो गाड़ी तकरीबन J&K नंबर की पकड़ेगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पुलिस को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात जवानों का ये ढीला ढाला रवैया इन तमाम तैयारियों पर पानी फेर सकता है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट।